हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं जावेद जी, जो कि आए हैं सऊदी अरब से इंडिया में अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए। सऊदी अरब में 2018 से नौकरी कर रहे हैं और अब जाकर इन्हें टाइम मिला है कि अपने लिए भी कुछ कर पाए। इससे पहले पूरे टाइम फैमिली में ही दे रहे थे, सही बात है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो आपका स्वागत है भाई जी पहले तो चैनल के अंदर। ओके हेलो। और ये बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया कि भाई अब तो ट्रांसप्लांट कराने का टाइम आ ही गया है? जी, एक तो हमारी एज निकलती जा रही थी, अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ, तो घर की परेशानियों में, टेंशनों में, अब ये कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपने ऊपर ध्यान दिया मैंने, मैं भी कुछ कर सकूँ। औरों को मैं देखता था ट्रांसप्लांट करता हुआ, और सबसे पहले मुझे जो इसमें आने के लिए जो प्रोत्साहित हुआ मैं, ये मोहित भाई की वजह से हुआ। मैं इनका यूट्यूब चैनल में बहुत टाइम से सब्सक्राइबर भी हूँ और बहुत पसंद करता था। इन्होंने बहुत बारीकियों से समझाते हैं, डर बिल्कुल ही निकल गया। मैं भी डरता था, पता नहीं कैसा क्या होता होगा, पर अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैं मोहित भाई के पास आया और ये ट्रांसप्लांट में कराने के लिए। अब आखिरी बस ये अब होने वाला आज हो जाएगा मेरा, ये मेरी एक क्या कहते हैं उसको, फरमाइश थी, ख्वाहिश थी बस। तो देखो, इन्होंने सऊदी अरब में रह करके इन्होंने बहुत मेहनत से अपना, सऊदी अरब में इतने टाइम तक कोई लगातार रहता नहीं, रहना पसंद नहीं करता इंडियन, वो जाते हैं आते हैं, 2 साल में वापस आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम इसलिए भी रहे क्योंकि इन्हें अपना घर बनाना था। बहुत जिम्मेवार आदमी है। फाइनली जब कुछ पैसे एक्स्ट्रा हो गए तब ये इंडिया वापस आए हैं, अपना ट्रांसप्लांट करवाएंगे, थोड़े दिन अपने घर में रहेंगे, फिर दोबारा काम धंधा करने आएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादा पैसा है नहीं जितना बाहर के में। बाहर से बंदा थोड़ा बहुत पैसे जमा कर लेता है, फिर रहता अपने घर में आकर ही है। फाइनली ट्रांसप्लांट कराने का इनका कारण एक ये भी है कि इनकी शादी वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है। जी, आजकल लड़कियाँ देखती हैं लड़का कैसा है, कैसा लुकिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा तो आजकल ये इस टाइम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लड़की आजकल पसंद खुद करती हैं जब रिश्ता होता है, वरना तो रिश्ता 4-5 जगह से तो ख़त्म ही हो चुका है, ये समझो मना कर दिया। बताओ, लड़की मना कर देना तो थोड़ा बुरा लगता है, लड़का भी लड़की को मना कर दे तो लड़की को भी बुरा लगता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, अगर जो लड़की सिर्फ बाल की वजह से मना कर रही है तो बाल मैं आपके ला दूंगा, गारंटीड है। आज तक कुछ 4-5 हज़ार लोगों के बाल में ला चुका हूँ, ठीक है। क्लिनिक दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में अवेलेबल है। और ट्रांसप्लांट की कॉस्ट सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 12 रुपये पर ग्राफ्ट में इनका ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसके साथ 5 PRP, 5 दिन की मेडिसिन, ब्लड टेस्ट, स्किन टेस्ट सब इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 12 रुपये वाला ही करते हैं, 15 रुपये पर ग्राफ्ट माइक्रो FUE और 20 रुपये में एडवांस बायो FUE भी करते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझना कि भाई सस्ता ट्रांसप्लांट होता है हम नहीं करवाएंगे, बेकार ट्रांसप्लांट होता है हम नहीं करवाएंगे। लोग करवाने वाले 20 रुपये पर ग्राफ्ट वाला भी करवाते हैं यहाँ से, और 25 रुपये DHA वाला भी करवा करके जाते हैं। ये तो लोगों का बजट नहीं होता, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करना ही है। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो महंगा ही करते हैं, जाकर अपना लेकर आओ। ये सर्जरी लग्जरी सर्जरी ना रहे, सबकी रीच में आ जाए, इसलिए एक यूनिट बनाए नो प्रॉफिट नो लॉस का 12 रुपये पर ग्राफ्ट में, जिसमें आपका ट्रांसप्लांट करके देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, ओटी में ले आते हैं, ओटी में जान के इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कैसा है। अब हेयरलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दो बस, जान से पसंद है? जी बहुत अच्छी लगी है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी हेयरलाइन बनाई है। हाँ, मुझे पसंद है, ये पसंद है जी। तो और हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट जैसे बोले डॉक्टर साहब ने करी है, डॉक्टर साहब ही हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 12 रुपये में हो रहा है तो टेक्नीशियन ट्रांसप्लांट करेंगे, ना 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 ना, डॉक्टर साहब ही ट्रांसप्लांट करेंगे। चलो वीडियो में देखते हैं चलकर आगे क्या होता है। हाँ जी भाई जावेद साहब, बताइए अब कैसा फील हो रहा है? फील अब तो बहुत अच्छा हो रहा है, रिलैक्स है और तकलीफ भी नहीं हो रही है। पहले थोड़ा सा चुभन होता था, हो रहा था चुभन जब स्टार्ट करा था, मगर अब सब अच्छा है। अच्छा, जो आपको हेयर लाइन मार्क किया वो पसंद आई, हेयर लाइन की डिज़ाइन भी वैसे ही बनाई ना सेम? जी, अब हेयर लाइन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे बहुत पसंद है। और डेंसिटी कैसी लगी आपको? डेंसिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अच्छा, अब और बस रिजल्ट का इंशाल्लाह इंतजार रहेगा, फिर देखेंगे। हाँ, मतलब पेन वगैरह तो ज्यादा नहीं हो रहा बिल्कुल भी? पेन शुरुआत में थोड़ा थोड़ा होता है, अब कोई पेन नहीं? हाँ, अब बिल्कुल नहीं। करवा सकते हैं लोग ट्रांसप्लांट? बिल्कुल करा सकते हैं, और क्लिनिक पर यहाँ पर आए, मैं नाम तो अभी याद नहीं है, मोहित भाई से मिले और डॉक्टर साहब जी। ठीक है ना? ओके, शुक्रिया।